हेलो एवरीवन, काला चना किसको नहीं पसंद है। इसका बहुत सारा आइटम बनता है। आज का हमारा रेसिपी है चना मसाला। ये एकदम रेस्टोरेंट और ढाबे जैसा चना मसाला घर पे मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम अपने घर पे अपने तरीके से बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम बनाते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस हमने ओवरनाइट सोक किया हुआ 250 ग्राम चना लिया है। इसे ना तो आपको सीटी लगाने की ज़रूरत है दो चार, और ना ही इसे उबालने की ज़रूरत है। ये एकदम आसान तरीके से बनने वाला हमारा चना मसाला है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने पानी से छान लिया है और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है और कढ़ाई में डाल दे रहे हैं 2 टेस्पून ऑयल और इसे कर लेंगे हम गरम। गरम करने के बाद हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं 1/2 टेस्पून जीरा पाउडर, 2 तेज़पत्ता डाल दे रहे हैं और 2 लौंग डाल दे रहे हैं। इससे डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और 1 सूखी हुई लाल मिर्च डाल दे रहे हैं और साथ में हम 1 पिंच हींग डाल दे रहे हैं। इससे भी डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहता है। और इन सबको चटकने देते हैं और जब हमारा मसाला चटक जाए तब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप चॉप किया हुआ प्याज। ये हमारा प्याज लगभग 2 प्याज है। साथ में हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे सौटे करेंगे तब तक जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। हमारा प्याज जब तक ब्राउन हो रहा है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। मसाला के लिए मैंने 1 कप लिया है और कप में हम डाल देंगे 1/2 टेस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेस्पून डाल रहे हैं जीरा पाउडर और 1 पिंच हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेस्पून डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और एकदम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्पाइसी के लिए। और इसी में हम डाल देंगे चना मसाला पाउडर। आपके पास अगर चना मसाला पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे गरम मसाला कोई सा भी ले सकते हैं। और इन सबको हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसे एक घोल बना लेंगे। और लीजिए, हमारा घोल बनकर रेडी हो गया। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पे हमारा प्याज एकदम ब्राउन हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बस जो घोल मैंने बनाया है उसे हम डाल दे रहे हैं और डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नमक डाल देंगे एकदम स्वाद अनुसार, ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि हमारे मसाले का कच्चापन निकल जाए। और 2 टेस्पून डाल दे रहे हैं यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें भून लेना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और हम यहीं पे डाल दे रहे हैं 2 कटा हुआ टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। और ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। और देख सकते हैं कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसे हमें भून लेना है तब तक जब तक कि हमारा तेल सेपरेट नहीं हो जाता है। लगभग हमारा तेल सेपरेट होने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा। और आप देख सकते हैं कि होने लगा है हमारा तेल सेपरेट। यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मसाले से। बहुत ही अच्छा इसका कलर हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे ऐसे ही भून लीजिए। और आपका टमाटर अगर सॉफ्ट ना हो तो ऐसे चम्मच की मदद से डैब डैब करते हुए भूनिए, ताकि जो टमाटर खड़ा है वो सॉफ्ट हो जाए। और हमारा मसाला भून चुका है बहुत अच्छी तरह, तेल सेवरेट हो गया है। तो हम यहीं पे डाल देंगे अपना चना जो हमने भिगो कर रखा हुआ था। और इसे डालकर बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। और पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम आंच पे कुक कर लेंगे, ताकि हमारा चना सॉफ्ट हो जाए। हमारे चने मसाले को कुक होते हुए 15 मिनट हो चुका है। तो ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कि ये हमारा चना सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि हमारा तेल किस तरीके से ऊपर ऊपर तैरने लगा है और ग्रेवी भी ठीक हो गया है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। और आप ग्रेवी का थिकनेस एक बार देखिए, बहुत ही परफेक्ट हुआ है। और इसकी खुशबू आपको क्या ही बताया, बहुत ही खूबसूरत आ रही है। तो हम एक चने को लेंगे और आपको दबा कर देखते हैं। ये देखिए, हल्के हाथों से दबाने से ही एकदम सॉफ्ट हो जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा चना एकदम
कुक हो चुका है। तो बस यहीं पे हम डाल देंगे धनिया पत्ता। हमने 1 कप धनिया पत्ता को चॉप कर लिया है और इसे डाल दे रहे हैं और इसे हम कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद ताकि हमारा जो धनिया पत्ता है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। और लीजिए हमारा चना मसाला बनकर एकदम तैयार है। बस आप लोग भी अपने घर पे इस तरीके से चना मसाला एक बार बना कर तो देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी होता है। और सॉफ्ट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे ताकि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। और हमारा फाइनली चना मसाला रेडी हो गया। तो आप लोग भी अपने घरों पे जरूर ट्राई कीजिए और इसे आप पूरी के साथ, कचौड़ी के साथ या रोटी के चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। और हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और कमेंट में बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।